हेलो एवरीवन, आई एम गगनदीप। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गगन स्टाइल कॉर्नर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बनाएंगे डेकोर पीस, वो भी वेस्ट मटेरियल से। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए, जो मशरूम आते हैं जिसमें, वो ये बॉक्स है प्लास्टिक का, एंड इसी से ही हम शोपीस बनाएंगे। और ये मैंने कलर लिया है फैब्रिका का एक्रेलिक कलर, पिंक, डार्क जो पिंक कलर होता है उस कलर का है। एंड अब हम इस बॉक्स का इनर एरिया जो है वो वाला सारा पेंट करेंगे। वैसे तो ये ब्लू ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट फिर भी मैंने ये कर दिया है क्योंकि उस ब्लू में थोड़ा थोड़ा वाइटनेस थी जो अंदर के पास, अंदर का एरिया, और जो बाहर वाला था वो तो बिल्कुल साफ था, इसलिए बाहर मैंने नहीं किया। तो ये देख सकते हो, पहले हम इसको कलर कर लेंगे सारा इनर जो इसका पार्ट है। एक्रेलिक पेंट मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये सबसे जल्दी सूखते हैं, और जो ऑयल पेंट होते हैं वो काफ़ी देर तक उसमें एक दिन और आधा दिन, डेढ़ दिन कम से कम लग जाता है सूखने के लिए अच्छी तरह से, और ये सिर्फ 5 मिनटों में आराम से सूख जाता है। तो मैंने इतना कलर कर दिया इसको, और इस पर सेकंड कोट भी बाद में करेंगे ये फिनिश हो जाए तो, क्योंकि ये डार्क कलर है, नीचे बेस का जो डार्क कलर है वो डार्क है, इसलिए ऊपर मैंने लाइट नहीं किया। अगर लाइट करते तो वो अच्छा ही ना, वैसे भी ये डार्क कलर के ऊपर डार्क किया तो भी मुझे दो कोट करने पड़े इसके, तभी फिनिश अच्छी आएगी। तो ये देखिए, हमारा फर्स्ट कोट कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे सेकंड कोट एंड इस सारे को अंदर से। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सेकंड कोट कर दिया है और ये लगा दिए घुंघरू से जो होते हैं, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिश आई है अंदर से। एंड ये वाले वो जो होते हैं लटकाने वाले होम डेकोर के, उससे हम, और ये मैंने स्टेपलर से इसको स्टिक किया है ऊपर, आप देख सकते हैं ना, वहाँ पर स्टेपलर की पिन लगी हुई है। अब ये फ्लावर है आर्टिफिशियल मेरे पास, जो फेक प्लांट के जो फेक फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम स्टिक करेंगे अब इस पर। वो सेम प्रोसेस हमारा स्टेपलर की हेल्प से ही हम इसको स्टिक करेंगे। तो पहले मुझसे ये लगता नहीं है, पर बाद में फिर वीडियो को पॉज करके फिर मैं लगा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने लगा दिया है यहाँ, तो ये दोनों ओर हमने लगा दिए हैं जो फ्लावर्स हैं। एंड मेरे पास एक स्टैचू था पुराना, उसको मैंने पेंट किया है ये वाला, ये वेस्ट मटेरियल में था, फिर मैंने इसको पेंट करके अच्छा बना दिया। और तो अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक शोपीस तैयार हो जाएगा हमारा, वेस्ट मटेरियल से हुआ हुआ तैयार। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो ये हमने एक स्टैचू रख के इसका लिया है, इसका जो वीडियो बनाई है हमने स्टैचू रख के किया। हम इसमें स्टैचू भी रख सकते हैं, पर मैं स्टैचू कहीं और शिफ्ट करूँगा क्योंकि इसमें तो मैं प्लांट लगाऊँगा एक गिलास में, और वो गिलास मैंने कैसे बनाया वो भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें प्लांट लगा रखा है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे, देख सकते हो पानी डाल के, ये रियल प्लांट है इसमें जो लगा हुआ है, सकुलेंट कलांचो लगा हुआ है इसके अंदर। एंड देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये जो गिलास है वो भी मैंने बोतल से बनाया, बोतल को हाफ कट करके और उसको उस पर गरम कर दिया था आग पर, तो उससे वो अच्छा बन गया एक गोल मटोल सा। तो उसके अंदर मैंने माउंट कर दिया। तो बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।